जी बेटा, मैं आप लोग की हेल्प करूं? हाँ सर, दोनों के वो तो इंटरसेप्ट पॉइंट पे नहीं सर, कर लिए? कि आपके क्या क्या आंसर आ रहे हैं? एट फिर फोर और मैं सिक्स। भी थोड़ा आप लोग के साथ कर लेता हूँ बेटा। ये देखिए, अब जैसे कि आपकी ये वाली इक्वेशन थी, यानी एक्स टू वाई इज इक्वल टू एट, ठीक है? तो आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। तो y का आंसर कितना आपके पास आ रहा है? 4। हाँ तो a का जो आंसर आया आपके पास वो कितना आया? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितना है? 4, ठीक है? इसके साथ आपने क्या किया, अब आप y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा? फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, 2y इज इक्वल टू 8। अब आप वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स का आंसर कितना आ रहा है? 8। अब आप क्या करेंगे, बी का पॉइंट निकालेंगे, तो बी के पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू आपके पास कितना है? 8, और वाई की वैल्यू क्या है? 0। अब आप ये देखें, ये है एक्स की वैल्यू 0, ये देखें आप एक्स की वैल्यू क्या हाँ है आपके पास, एक्स प्लस टू वाई। ये देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है? और एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8। एक्स की वैल्यू कितना है? 0, और वाई की वैल्यू कितना है? 4, ठीक है? तो अब चूंकि इन्होंने ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर ड्रॉ हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए कि आपके पास जो इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है? तो देखिए एक पॉइंट आपके पास ये रहा बेटा, जरा इसको गौर से देखिए कि एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8, और वाई की वैल्यू 0। तो क्या इसे मैं ड्रॉ कर दूं, ये वाला पॉइंट, ये देख रहे हैं आप ये वाला पॉइंट, ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? जी एक्स की वैल्यू कितना है आपके पास? 8, और वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो देखिए एक्स की वैल्यू 8 है और वाई यहाँ पर 0 होता है, तो आप इससे बेसिकली क्या कहेंगे, बी पॉइंट दे दें। आप अपने हिसाब से काम करें, इसको बी पॉइंट दे दें, और ए पॉइंट आपके पास के एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितना है? 4। तो देखें अब 1 2 3 4 ये रहा पॉइंट आपके पास, तो इसको आप क्या देते हैं, नाम ए का नाम दे दें। ये बात क्लियर? देखें ये लाइन आपके पास आ रही है, ये वाली लाइन, बात क्लियर हो गई बेटा? जी बेटा, जी सर, ये एक लाइन यस ड्रॉ सर, कर ली सबने। जी बोलें। जी बेटा, हेलो। जी सर बन गई। अच्छा, अब हम दूसरी इक्वेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं बेटा। यस सर, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो सर वाई को हम 0 पुट करेंगे एंड देखिए देन आपने अगर वाई y निकालना इंटरसेप्ट हो मैंने तो लिख दिया ना, देखो ये लिखा ना y इंटरसेप्ट, तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो हम y की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, क्या ख्याल है? इस तरह जब हम x इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम करेंगे, तो अब हम ये करेंगे x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे,
अब आप ये देखिए 3x, मैं पहले सर आपको लिख के दिखा देता हूँ बेटा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और x इंटरसेप्ट y विल जीरो, ओके 3x प्लस 12 प्लस इसमें 3 4s आर 12, x विल बी जी सर 4 आ जाएगा। डी एंड द डी पॉइंट इज दैट कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0। ये बात क्लियर हो गई बेटा? देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी आपने निकाला और ये पॉइंट डी। अब सी में क्या देखें, ई क्या दे रहा है 0.6, तो एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई की वैल्यू क्या हो 6 हो। तो अब आप ये देखिए एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या 6, ये लाइन देख रहे हैं आप बेटा, ये लाइन देख रहे हैं आप लोग, यानी ये मेरा बेसिकली क्या पॉइंट हो जाएगा, सी पॉइंट, ये देखा आपने। और डी पॉइंट मेरे पास क्या होगा कि एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो 4, तो देखें एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 यहां पर आ रही है, इसको मैं क्या कह देता हूं डी पॉइंट। अब बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। अब ये देखिए इस इक्वेशन में दो चीजें बड़ी अहम थी, क्योंकि पिछली जो इक्वेशन थी उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन थी, अब यहां पे देखें आपको दो इक्वेशन दी जा रही है। अब फिर आपको बता दूं पहली इक्वेशन क्या थी, देखें x plus 2y is equal to 8, तो आपने सबसे पहले y इंटरसेप्ट निकाला, तो x की वैल्यू 0 सॉल्व करी, 0 पुट करी आपने, तो 2y is equal to 8, तो y का आंसर निकाल लिया, दिस इज योर पॉइंट ए। फिर x plus 2y is equal to 8, यहां पे आपने x की वैल्यू 0 निकाली, अब यहां पे y की वैल्यू आपने क्या कर दी 0 पुट कर दी, तो x is equal to 8, तो आपने यहां से b पॉइंट निकाल लिया। a और b को आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ किया, देखें दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। उसके बाद आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x plus 2y is equal to 12, 3x plus 2y is equal to 12, तो आपने क्या किया पहले y इंटरसेप्ट को निकालना चाहा, तो आपने x की वैल्यू क्या करी 0 पुट करी, तो y की वैल्यू निकाली जो कि 0.6 आई, एंड देन आपने x इंटरसेप्ट निकाला, तो x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, तो आपने d पॉइंट निकाला, फिर आपने इसको कॉपी में ड्रॉ कर दिया। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। यहां तक किसी को कोई मसला? नो सर। अच्छा अब इसको मिटा दूं जो स्क्रीन पर आपकी ये नजर आ रहा है बेटा। वेट सर। मिटा दूं? जी सर। चलें बेटा। देखिए आप लोगों ने जब ये लाइन ड्रॉ कर ली तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। ये देखिए ये ग्राफ की, ये ग्राफ में एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन देखें आपकी यहाँ जा रही है, ये कट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, जिसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ये तब होता है जब दो इक्वेशन आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही होती हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन हमारे पास है, लेकिन आप और हम क्या करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे मोड का बटन प्रेस करें। आपने मोड का, आपने 5 पे क्या लिखा हुआ मोड, मोड के बाद ये आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा, उसके बाद देखें 5 पर क्या लिखा हुआ इक्वेशन, आपने 5 को प्रेस किया और नंबर 2 पर चले जाएं आप। किस पे? नंबर 2 पे। सब लोग नंबर 2 पर चले गए बेटा? जी सर। आपने 2 को जैसे ही प्रेस किया तो देखें आपके पास ये एक मैट्रिक्स बना हुआ आ जाएगा। अब इसमें ए बी और सी देखें, ये आपके पास एक्स का जो कोफिशियंट होता है वो ए होता है और जो बी का जो कोफिशियंट होता है वो 2 मतलब 2 है, सही है ना, वाई का जो कोफिशियंट होता है वो 2 होता है और 8 जो है वो बेसिकली आपका सी है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स का कोफिशियंट मेरे पास क्या है 1, तो मैंने 1 को प्रेस किया इज इक्वल टू, मैंने वाई का जो कोफिशियंट है 2 उसको 2 है तो मैंने 2 को प्रेस किया इज इक्वल टू, फिर मैंने क्या किया 8, देखें 8 को प्रेस कर दिया, यानी मैंने इक्वेशन 1 के जो भी कोफिशियंट थे या जो उसके कांस्टेंट टर्म थी वो मैंने पुट कर दी कैलकुलेटर में। अब आप आ जाए मेरे साथ दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है 3, ठीक है, एंड देन 2 एंड देन 12, ठीक है। अब आप क्या करें ये देखें, अच्छा असल में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इक्वेशन गलत लिए, तो देखें मैं 5 पे क्लिक करूंगा, 1 पे देखें दो वेरिएबल आ रहे हैं,
यानी फिर अगेन वही तमाम स्टेप में फॉलो करूंगा। देखें x का कोफिशियंट क्या है 1, y का जो कोफिशियंट है वो क्या है 2, और ये इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास 8। इसी तरीके से x का जो कोफिशियंट है वो क्या है मेरे पास 3, और y का जो कोफिशियंट है वो क्या है मेरे पास 2, और कांस्टेंट टर्म है वो मेरे पास कितनी है बेटा 12 है। ये गलत लिखी हुई बेटा। अब आप ये देखें x का आंसर 2 आ रहा है जी बेटा, और अगर आप अगेन प्रेस करेंगे तो y का आंसर 3 आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम कर लेते हैं, आपको सिर्फ इन रीजन के कॉर्नर पॉइंट यूटिलाइज करने होते हैं। कौन कौन से मैं आपको जरा बताता हूं, देखें ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला। अब आपको ये चार पॉइंट यूज करने हैं किसमें, ये जो आप कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास क्या 0,0, ये देख रहे हैं आप। दूसरा पॉइंट जब आपने इस वाली इक्वेशन को ड्रॉ किया था कि एक्स की वैल्यू 4 है वाई की वैल्यू 0, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद ये जो अभी आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था 2,3, ये देखें आप, और आपका ये पॉइंट 0,4, ये पॉइंट। बेसिकली आप अभी देखें ये कॉमन रीजन है जो कि दोनों इक्वेशन में लाए कर रहा है। ये देखिए आपने जब a की वैल्यू पुट करी, ये रहा आपके पास a, तो क्या है 4,0, तो आपने y की वैल्यू 0 पुट करी और x की वैल्यू 4, 4, 3, 12, देखो मिनिमाइज वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से जो b की वैल्यू आपके पास है 2,3, जो आपने ये इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाली, तो देखें इस पे 6 आ रहे, मतलब 3, 2, 6 और 4, 3, 12, 12 में से 6 निकाले आपके पास 6 आ जाएगा, लास्ट वैल्यू आपके पास ये है जी। इसे राइट, इसे सॉल्व कर लें अपनी कॉपी में या राइट डाउन कर लें बेटा आप लोग। ये राइट डाउन कर लिया सब लोगों ने बेटा। जी बेटा कर लिया सब लोगों ने। सब लोगों ने राइट डाउन कर लिया बेटा। जी सर। अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक बार रिव्यू करवा दूं ये वाला क्वेश्चन ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है। देखिए
एक बात याद रखिए कि इसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का आपको मेन इक्वेशन जो आपको बोलता है, उसके बाद सब्जेक्ट वाली जो इक्वेशन देता है इसमें एक इक्वेशन भी हो सकती है, आपके पास दो भी हो सकती है। अगर एक इक्वेशन देता है तो एक इक्वेशन वाला जो केस है वो आपके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट आप निकालते हैं और लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखें इसमें कॉमन रीजन आपके पास ये है। बेसिकली कॉमन रीजन आपके पास क्या होता है कि जो इस लाइन के बिलो आपके पास जो भी एरिया आपके पास आ रहा होता है, या दो लाइन के कॉमन रीजन जो आपका होता है वो होता है। लेकिन अगर आप ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपके पास देखें दो इक्वेशन है, तो पहले स्टेप में आपने करना क्या है कि इनके एक्स वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लेने हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जो कि आप अभी बहुत सारे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम आज भी हमने आपको करवाया। और जब आप वो कैलकुलेट कर ले एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो जाहिर सी बात है आपने ये वाली लाइन ड्रॉ करी होगी और ये वाली लाइन ड्रॉ करोगी ग्राफ के ऊपर, ग्राफ से मुराद अपनी कॉपी के ऊपर। उसके बाद आप याद रखिए जब भी आपके पास दो इक्वेशन होती हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका लाजमी आपने कैलकुलेट करना होता है। बहुत कम ऐसे चांस होता है कि वो इंटरसेक्ट ना करें, जैसे कि ये इंटरसेक्ट करना। तो इस इंटरसेक्ट के लिए मैंने आपको कैलकुलेटर में सिंपल तरीका बताया है, आपने वही यूटिलाइज करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं बेटा। बेटा प्लीज सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड ट्राई टू सॉल्व बेटा। जी एनी प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर, कर रहे हैं। चले माशाल्लाह। Thank you.
जी, मे आई हेल्प यू बेटा? जी सर, ये पॉइंट्स बता दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो बताऊं इसका? वही जो मैंने आपको अभी शॉर्टकट बताया कैलकुलेटर के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं सर, ये पॉइंट्स इधर क्यों लगे हैं? ये थोड़ा सा ये वाले कौन कौन से पॉइंट की बात है? एक मिनट रुकिएगा जरा। मैं जी सर, किन किन पॉइंट की बात कर रहे हैं आप? ये 2.0 2.0 देखिए, मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है बेटा? 3x + 5y = 15, ठीक है? अब आप ये देखिए, जब आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को क्या करेंगे? जीरो पुट करेंगे, ठीक है? तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 3x = 15। अब x का जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3, 5 = 15, ऐसे ही होता है। x का आंसर आपके पास कितना आ गया? 5। आपने पॉइंट ए बनाया और आपने कहा x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 5, और y की वैल्यू क्या है? 0, ऐसे ही बेटा। अब आप ये देखिए कि अब देखें, मैं बता रहा हूँ, अब आप ये देखिए x की वैल्यू क्या है? 5। ये देख रहे हैं आप? जी सर, है ना? x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है? 0। अब आप इसी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट भी निकालेंगे। अब आपने y को 0 पुट किया तो आप क्या करेंगे? आप x को 0 पुट करेंगे आप, ठीक है? यानी 5y = 15। अब क्या हो जाएगा? 5 × 3 = 15, तो y का आंसर कितना आ रहा है आपके पास? 3 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, बी पॉइंट लिखेंगे बेटा कि y 0 है मेरे पास और ये क्या है? 3। अब आप देखें बी पॉइंट कहाँ पर है आपका, कि y x 0 हो और y क्या हो? 3। तो आप जरा ये देखिए, बी पॉइंट आपके पास ये रहा, ये लाइन आपकी ये बन गई, है ना बेटा? क्लियर हो गई मेरी बात? इसी तरीके से फिर जो दूसरी लाइन, वो भी मैं करके दिखा दूं। समझ गया सर।
ठीक है, और किसी ने कोई बात पूछनी है तो बेटा पूछें बेटा। जी बेटा, सबको ये बात क्लियर है, या मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ बेटा। सर ये बी पॉइंट कैसे आया जीरो कॉमा थ्री? बी पॉइंट कैसे आया? देखिए बेटा, ये देखिए 3x plus 5y is equal to 15। पहले आपने इसका y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट निकाला, जब आप x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y को क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? सही है सर, मैंने पहले y इंटरसेप्ट निकाला फिर x इंटरसेप्ट। हाँ, निकाला आप देखें ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अब आप ए देखिए, ए ये रहा मेरे पास कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। ये देखें आप, x की वैल्यू 5 है और यहाँ y 0 होता है। इन दी सेम वे अगर आप देखें तो बी जो पॉइंट है आपके पास, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है बेटा 3। तो x की वैल्यू देखें 0 और y की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 3। ये देख लें आप। अब आपने इस लाइन को ड्रॉ कर देना है, उसके बाद फिर आप दूसरी इक्वेशन लेंगे 5x plus 2y is equal to 10। क्या मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दूं? क्या मैं इसको भी सॉल्व करके दिखा दूं बेटा? जी बेटा, करके दिखा दूं। जी बेटा, इस चीज को सर, ये मतलब दूसरी लाइन पॉइंट को ड्रॉ करके, ये आप लोगों ने कर लिया? कर लिया सर। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप था, मैंने आपको बताया है बेटा कि दूसरे स्टेप में आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना होता है। ये देखे ना, अब एक लाइन ये यहाँ कट कर रही है और एक लाइन देख ये कट कर रही है, अगर आप इसको इसको मिलाएं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ रहा है, तो इस पॉइंट को आप कैसे मालूम करेंगे? बताइए कैलकुलेटर से। जी, अब आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे जाएं आप लोग, आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद है बेटा, शिफ्ट का बटन दबाएं एंड देन 5 को प्रेस करें आप और 1 पे चले जाएं। अब 1 पे देखें, आपके पास दो इक्वेशन की कंडीशन दे रहा है, आपके पास क्या बेटा 3 राइट, और ये वाई का कोफिशिएंट क्या है 5 एंड देन इज इक्वल टू क्या है बेटा 15, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या है 5 एंड 2, 5 2 और उसका जो है आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है 10। आपने 10 को प्रेस किया, अब देखें ये वैल्यूज आपने ट्रांसफर कर दी कैलकुलेटर में। जब आप इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो देखें एक्स का आंसर कितना आ रहा है 20/19, यही आंसर आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगेन आप इसको प्रेस करें तो वाई का आंसर क्या आ रहा है बेटा? कैन यू कंफर्म बेटा? जी सर, यही आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें स्टेप वन में आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं और आप इस तरीके से इक्वेशन को ड्रॉ कर देते हैं आप। ये बात क्लियर हो गई? जी जी, आप बेटा कोई बात पूछ रहे थे, पूछिए बेटा। जी सर, ये आपने ए पॉइंट 2.2.0 क्यों करा, इसको 5.0 क्यों नहीं करा? कहाँ पर बेटा? सर ए पॉइंट है ये 5.0 ना, ये देखिए, देखिए जब आप वाई को जीरो पुट करते हैं 3x is equal to 15, तो 3 5 15 हो जाएगा। जी पूछिए। नहीं सर, ये ए पॉइंट आपने 2.0 करा हुआ है। मैंने 2, नहीं, ये किसी